Yes, we are having the MCQ. Self theory was proposed by. Self theory was proposed by options Robert Hooke, Robert Brown, Sladen and Shevon, Anton von Leeuwenhoek. Sladen and Shevon. Robert Hooke tha mind mein. Proposed by, ध्यान से क्वेश्चन सुन लिया, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय स्क्लीडन एंड शेवन. सेकेंड है, विच ऑफ दीज इज अ ए सेलुलर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेलुलर? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ. वायरस, सिर्फ उसको आंसर आते हैं. वाई वायरस, लिख लो जो नया वर्ड मिल रहा है, नोट डाउन इन द नोटबुक्स. एटलीस्ट सारा चाहे मत लिखो, द वर्ड दैट यू आर नॉट लाइक फेमिलियर, एटलीस्ट नोट दैट पॉइंट ऑल्सो. ठीक है, विच ऑफ दीज इज अ ए सेलुलर. ठीक है, आंसर लिखो वायरस, रीजन लिख लो. ठीक है, इट इज अ सब माइक्रोस्कोपिक. क्योंकि वायरसेस जो होते हैं, दे कैन रेप्लीकेटिंग इटसेल्फ, है ना, बाय इन्फेक्टिंग द होस्ट सेल, दे आर मल्टीप्लाइंग, दे रेप्लीकेटिंग इटसेल्फ. इसके लिए हमारे पास सेल उसकी बॉडी नहीं, मतलब वो नहीं है, तो दे कैन रेप्लीकेट देमसेल्फ. हाँ जी, होस्ट टू सर्वाइव. यस, सिलेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट पेयर दैट कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर दैट कंप्राइज ऑफ अ ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, उसने कहा सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, ठीक है, दैट कंप्राइज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. हृदय सुनो बेटे, सारे सुनो, जहां पे न्यू वर्ड है वो लिख लेना. एग्जाम्पल ऑप्शन है अमीबा एंड राइजोपस, पैरामीशियम एंड क्लाइमेडोमिनस, बैक्टीरिया एंड फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो यूनिसेलुलर है. प्लांट्स एंड सेलुलर क्या है, और प्लांट्स एंड एनिमल सेल क्या है? तो यूनिसेलुलर पैरा अमीबा एंड राइजोपस, पैरामीशियम एंड क्लाइमेडोमिनस. पैरामीशियम एंड क्लाइमेडोमिनस, ठीक है, आ जाओ. सी एच एल ए एम वाई डी ओ एम ए एन एस, डी ओ एम ओ एन एस, माई डो मोनस. चलो नेक्स्ट इज ग्रुप सिलेक्ट करना है, ऑड ग्रुप. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन है क्लाइमेडोमिनस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स. फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, स्पर्म, न्यूरोन, अमीबा, क्लीडन, शेवन, वर्चो. क्यों? क्यों? शी इज राइट. स्पर्म एंड न्यूरॉन. स्पर्म कहाँ है? ह्यूमन सेल में. स्पर्म कहाँ होते हैं? ह्यूमन बॉडी में. एंड न्यूरॉन इज ऑल्सो, सिर्फ उसमें अमीबा जो है, क्या बोला था, स्पर्म, न्यूरॉन, अमीबा. क्लियर हुआ? हाँ, यू अमीबा इज ऑल्सो यूनिसेलुलर सेल ही है वो, एक दैट इज अ सिंगल सेल. हाँ कह लो, तो ऑड वन ही पूछा है. वी कैन ऑल्सो ऑन अदर बेसिस ऑल्सो कर सकते हैं. अमीबा कैन चेंज इट्स पोजिशन शेप, सुडोपोडिया, बट इन द स्पर्म एज वेल एज द न्यूरोन, दे आर नॉट, दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर शेप, दे कैन चेंज द शेप. मतलब यू कैन डिफरेंशिएट. नेक्स्ट इज विच स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव सेलुलर प्रोसेस. कौन सी सेल ऑर्गेनली, मतलब सेल स्ट्रक्चर प्लांट सेल में है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ड्राइव सेलुलर प्रोसेसेस, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑल दैट सेलुलर प्रोसेस करने में कौन हेल्प कर रहा है?
कौन करता वैसे बट विच माइटोकॉन्ड्रिया बट इज दैट इज अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एटीपी ओके कृपा ये होती है रिवीजन ठीक है नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ठीक है ऑप्शंस गिवन है सेल्यूलोज एंड लिपिड्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स पेप्टिकोग्लाइकन एंड लिपिड्स सेल्यूलोज एंड प्रोटीन कैसे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वेरी नाइस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग आंसर लिख लो इसका लिपिड्स एंड प्रोटीन ऑप्शन राइट डाउन ऑप्शन लिखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ये क्वेश्चन लिख लो ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फिर ऑप्शन में आंसर लिख लो सीधा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अब रीजन लिख लो क्यों हम कह रहे हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाँ जी बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ is composed of plasma membrane is composed of question yahi hai answer likho iska lipid and proteins plasma membrane hai kya living thin cell wo hai living thin hai delicate hai elastic hai theek hai ab usme kya hai ki it is made up of the lipids and the protein isme na phospholipids hote hain और ये प्रोटीन्स की बनी होती है हाँ जी बेटे मैं वही आगे करने लगी थी कि मैं का इतना बताऊं वेयर वी हैड डिस्कस्ड शी गेव द आंसर कहां पे कैसे करा था प्रोटीन्स कहां प्रेजेंट होते हैं एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक हमने बनाए थे प्रोटीन बीच में और ऊपर और नीचे प्रोटीन्स दोनों जगह प्रेजेंट है ठीक है लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी प्लाज्मा उसके बीच में हमने फॉस्फोलिपिड्स बनाए थे प्रोटीन सेंटर में भी थे और ऊपर और नीचे भी थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आई डोंट थिंक सो बुक में है मैं पर बोल देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेल्यूलो सेलुला सुन लो कोई बात नहीं ओमनी सेल्यूली सेलुला मीनिंग ऑफ इसका मतलब क्या है सेल्यूली सेलुला दैट मीन्स सेल्स जो हैं वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ठीक है इसका मीनिंग क्या है सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स किसने कहा था ये रुडोल्फ वर्चोन अच्छा रहने थे रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ root hair absorb the water by the process of transpiration wo to upar hai leaves mein hota hai transpiration the loss of the water aur isme kya hai options hain plasmolysis diffusion osmosis endocytosis what is the meaning of osmosis from the हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन ठीक है सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली मेड अप ऑफ अच्छा अगर ऑस्मोसिस सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज है वो तो
नहीं है, लिपिड्स, सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द सेल। इट इज, हाँ हम कह देते हैं बट अगर हमारे पास हो तो दैट इज द सेलुलोज विच प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ दैट गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, बट इट इज मेड अप ऑफ द लिपिड्स। अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हमने करा था, लिपिड्स करना, लिपिड्स। अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो जिसमें पानी ज्यादा है, विल नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल नॉट बर्स्ट। क्यों नहीं होता? सेल वॉल, क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया। प्लांट सेल प्लेस इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसको हमने हाइपोटोनिक में रखा लेकिन वो बर्स्ट नहीं हुआ, क्यों? किसने प्रोटेक्ट करा? सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ले लेता, नो इट विल एब्सॉर्ब। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? यस जसकरन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर रिप्रोडक्शन। ऑल ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस, ब्रेन ऑफ द सेल। एन ऑर्गेनिज्म हैज पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन इट्स सेल, poorly defined nuclear membrane in its cell, this organism could be animal, bacteria, fungi and bird. Bacteria. Ribosomes. आपको एक ये पिक्चर बनी हुई है, ये पिक्चर है, डायग्राम शोन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सेल, नेम द पार्ट लेबल्ड इन, लाइक इसमें आपको बताना है कि ये है क्या, ये क्या है? क्रोमोसोम्स, देख के पता लग रहा है, हमने क्रोमोसोम्स को बताया था। इवन इस बार आपकी 9th की एनसीईआरटी, आप पुरानी बुक्स देख रहे हो बट नई बुक में इस बार माइटोसिस मियोसिस वाला भी टॉपिक गिवन है न्यू बुक में, तो वहां पे क्रोमोसोम्स दिखाए हुए उन्होंने। विच सेल ऑर्गेनली इज नॉट बाउंड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन? ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट बाउंड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन आवर बॉडी आर फाउंड इन रेटिना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टंग। ब्रेन, तो ढूंढ नहीं रही, सुनो। लार्जेस्ट नंबर ऑफ नर्व सेल आर प्रेजेंट इन, जहां पे सेल बॉडी में कहां पे न्यूरॉन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है? ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में मैसेजेस की जल्दी जाना।
इफ द राइबोसोम ऑफ सेल आर डिस्ट्रॉयड, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है शायद, ठीक है, इफ द राइबोसोम ऑफ अ सेल आर डिस्ट्रॉयड देन द रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है, फैट्स विल नॉट बी स्टोर्ड, कार्बन असिमिलेशन विल नॉट अकर एंड प्रोटीन्स विल नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि राइबोसोम्स आर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अभी ना सुन लो, मैं आपको साइट आई विल सेंड, इवन द पिक्स भी सेंड कर दूंगी, इसीलिए पार्टिसिपेट करो, सो दैट इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर तो वी कैन गिव, आई विल सेंड द पिक, ठीक है। चलिए, व्हाट, वैसे ये है नहीं है बट यहाँ वर्ड लिखा, चलो मैं बता देती हूँ, व्हेन आई विल सेंड यू तो यू विल डेफिनेटली कंफ्यूज। ऑटोलिसिस क्या होता है? ऑटो मींस अपने आप, लिसिस मींस, सेल्फ डाइजेशन को बोलते हैं ऑटोलिसिस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द सेल बॉडी इज डन बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियस के बाहर हम क्या बनाते हैं?